नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स। द नेशन टाइम्स की टीम इस वक्त हिसार के महावीर स्टेडियम में मौजूद है, जहां पर आप सुबह और शाम खिलाड़ियों को पसीना बहाते हुए ज़रूर देखते होंगे। और कोरोना के बाद जो है स्थिति धीरे धीरे जब सुधर रही है तो खिलाड़ी मैदानों में उतरने लगे हैं, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि कहीं ना कहीं घरों में जो अभ्यास हो रहा था वो उस लिहाज पर नहीं हो पाता है जिस तरीके से होना चाहिए। जब किसी प्रशिक्षक और कोच के सानिध्य में जब कोई काम होता है तभी बेहतर हो पाता है। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम रामकेश पुनिया, एथलेटिक्स कोच महावीर स्टेडियम। जी, किस तरह से अभ्यास यहाँ पर करवाया जाता है बच्चों को, थोड़ा हमें जानकारी। बच्चे लॉकडाउन के बाद जैसे ही काफ़ी प्रेरित हैं इस चीज़ के कि उनको बीच में टाइम नहीं मिला और अब टाइम मिला है तो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं जी, और काफ़ी इंटरेस्ट के साथ मेहनत कर रहे हैं। और काफ़ी इवेंट के बच्चे मेरे पास, जैसे रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, तो इनमें बहुत सारे इवेंट होते हैं, लगभग 25-26 इवेंट हैं जी। तो सभी इवेंट के बच्चे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। सुबह 3 से 4 घंटे मेहनत करते हैं सीनियर प्लेयर जी, जूनियर प्लेयर हैं 2 से 3 घंटे करते हैं, जो और छोटे बच्चे हैं वो भी 1 से 1.5 घंटा मेहनत करते हैं, और शाम को भी ऐसे ही 3 से 4 घंटे मेहनत करते हैं। दोनों टाइम 6-7 घंटे मेहनत हो जाती है, तो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए काफी टाइम चाहिए, उस हिसाब से काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। कहाँ कहाँ से खिलाड़ी आपके इस महावीर स्टेडियम में पहुंचते हैं आपके पास अभ्यास के? बच्चे गांव से आते हैं, कुछ तो जो नजदीक गांव के हैं वो हर रोज सुबह शाम आते हैं जी, साइकिल पे, बाइक से, कुछ बच्चे आउट ऑफ स्टेट से भी हैं, वो यहाँ रह रहे हैं। क्या बात। हाँ, राजस्थान से हैं लड़कियां हैं मेरे पास, यूपी से हैं बच्चे, एक दो बच्चा मुंबई से भी है, तो आउट ऑफ स्टेट से बच्चे आते हैं, दिल्ली से है, उस तरफ नाहरी गांव, सोनीपत से हैं, दूसरे जिलों से भी बच्चे यहां आए हुए हैं। आपके महावीर स्टेडियम में आपके सानिध्य में जो बच्चे अभ्यास करते हैं, पीछे कुछ अगर बहुत अच्छे अचीवमेंट रहे हों तो जरूर हमारे तमाम दर्शकों को बताएं। हम काफी अच्छे बच्चे रहे हैं, जो मेरे को यहाँ 7 साल हो गए जो लगे हुए है, और कुछ बच्चे तो कोच बन गए हैं, तो हमारी स्टेज पे पहुंच गए हैं, तो वो नेशनल मेडलिस्ट बच्चे थे जी। उन्होंने एनआईएस की, एनआईएस करने के बाद अब वो कोच की पोस्टिंग पे हैं। कुछ आप करियर की संभावनाओं की बात करूं तो देखिए, सभी जानते हैं बहुत अच्छा करियर है खेलों में। किसी दौर में लोग यही कहा करते थे भाई खेलों में वो बात नहीं है, पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन अब उसका उल्टा हो गया है। तो करियर की संभावनाओं की यदि बात करूँ तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, स्पोर्ट्स में मैं खुद का थोड़ा सा बताना चाहूँगा एक बार जी, कि जैसे मैं भी एक टाइम में जब यहाँ स्टेडियम में आया था तो मेरा उद्देश्य ये था कि मैंने भर्ती होना आर्मी में, तो पापा ने कहा बेटा खिलाड़ी बनना है, आर्मी में भर्ती तो कभी भी हो जाओगे, तो बस चेंज हो गया वो डिसीजन पापा की वजह से, और कुछ मेरा भी जैसे स्टेट में खेला, फिर नेशनल खेला, फिर नेशनल मेडल आ गया, तो चेंज हो गया डिसीजन खुद का ही। तो आज के टाइम में हरियाणा में स्पोर्ट्स में बहुत कुछ है, स्पोर्ट्स में बच्चे काफ़ी जा रहे हैं, और आप देख ही रहे होगे ओलंपिक लेवल पे या किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में तो आधे लगभग 25-40% हरियाणा के ही खिलाड़ी होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। हरियाणा सरकार की जो प्रोत्साहन नीति इस तरह से खेलों को लेकर के, उसे क्या कुछ कहना चाहेंगे किस प्रकार से? सर, खेलों में हरियाणा सरकार प्रेजेंट में जो कर रही है वो उन्होंने और भी अच्छा किया है, पहले भी अच्छा किया था, पहले जो सरकारें आई है उन्होंने भी अच्छा किया, अब इस सरकार ने और भी अच्छा कर दिया जी। तो ये भी कंपटीशन है, जैसे हमारा कोचेज में हम सभी कोचेज एक कंपटीशन है हमारा भी, एक मैं अच्छे खिलाड़ी बनाऊं मैं अच्छे, तो सरकार अच्छा कर रही है, फिलहाल सरकार ने बहुत अच्छा किया है, खिलाड़ियों को एडवांस में पैसे देना, ओलंपिक में जाने से पहले ही खिलाड़ी को पैसे दे रही है, तो सरकार ने तो बहुत अच्छा किया है। खेलों में जो भविष्य बनाना चाहते हैं खिलाड़ी, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? खेलों में किस प्रकार से आया जा सकता है, क्या विशेषताएं, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? खेलों में आने के लिए खिलाड़ी की क्वालिटीज डिपेंड करता है उसकी बॉडी स्ट्रक्चर पे, उसकी हाइट वेट पे। मैं सही मायने में बताऊं तो ये तो एक बेसिक है, उसके बाद जैसे बच्चा ग्राउंड पे आता है उसकी मूवमेंट से पता चलता है ये कौन से इवेंट में सेट होएगा जी। बिल्कुल। तो कुछ साहब, हम आपके कुछ खिलाड़ियों से भी बातचीत करना चाहेंगे यदि आप हमें करवा पाएं,
जो कुछ बेहतर तरीके से किसी क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं कुछ बच्चों को बुलाता हूँ जी, जो नेशनल लेवल के प्लेयर हैं। बिल्कुल बुलाइए, हम इंतजार कर रहे हैं। अंडर एज हैं और सीनियर में भी हैं। बहुत सुंदर। तो अभी कोच साहब जो हैं वो उन खिलाड़ियों से भी हमारी बातचीत करवाएंगे जो महावीर स्टेडियम में अभ्यास करते हुए और बेहतर करते हुए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक भी गए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार का अभ्यास रहा। बेटा क्या नाम है आपका? नीलम जी, कौन सा खेल खेलती हैं उसके बारे में? एथलेटिक्स। कब से अभ्यास कर रही हैं कोच साहब? कैसे आप? अच्छा, तो ये अभ्यास की जो प्रक्रिया है यानी जो प्रशिक्षण यहाँ हो रहा है, आपकी ट्रेनिंग होती है किस प्रकार से होती है, थोड़ा बताएं। सही होती है सर, प्रैक्टिस तो सुबह शाम दोनों टाइम होती है। अच्छे तो खेलों में क्या करना चाहती हैं, क्या आगे कहाँ जाना चाहती हैं, क्या प्रैक्टिस करना चाहती हैं? इंटरनेशनल। कहाँ से हैं आप? डाटा गाँव से। डाटा गाँव से। घबरा क्यों रही है? हमें बड़ा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में जब आप बहुत बड़े लेवल तक जाएंगी तो उस वक्त बहुत से पत्रकार आएंगे, पता नहीं क्या क्या पूछेंगे आपसे, तो कहने का अर्थ है घबराने की जरूरत नहीं। गांव के माहौल के बारे में बताएं, वहां खेल का माहौल है गांव में? नहीं सर, गांव में नहीं है। गांव में नहीं है, पहले कोच था, प्राइवेट था वो तो नहीं। अच्छा, तो अब आप जब महावीर स्टेडियम में आई हैं तो आपको देख करके कुछ और बच्चियां भी आ रही हैं? आ रहे सर जी, बच्चे तो बहुत काफी आ रहे हैं सर, लड़कियां भी आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आप भी खेलते हैं? क्या नाम आपका? खुशी। खुशी, आप कहाँ से हैं? हिसार से। कौन सा खेल खेलती है? एथलेटिक्स। एथलेटिक्स। कब से कर रही हैं अभ्यास, उसके बारे में बताएं। एक साल ही हुआ। अच्छा, तो खेलों में खुशी क्या करना चाहती हो, क्या कोई गोल लेके चल रही, कोई लक्ष्य है आपका जी? बताएं। आगे जाके बहुत कुछ करना है। हाँ। बहुत कुछ करना है और मेहनत की जरूरत है जी। पढ़ाई की भी मैं बात करना चाहूँ, पढ़ती भी हैं आप? किस क्लास में? सर नाइन्थ। नाइन्थ में। तो क्यों, तो जो है यहाँ पर तमाम खिलाड़ी जो हैं वो यहाँ अभ्यास करते हुए नजर आते हैं। महावीर स्टेडियम में आने का मकसद हमारा ये रहा है कि यहाँ पर जो तमाम खिलाड़ी थमे हैं उसके बाद स्थिति क्या बनी है और किस प्रकार से जो है खिलाड़ी दोबारा से ट्रैक पे आना शुरू हुए हैं और कैसे उत्साह के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, ये जानने का मकसद था। बड़ी खुशी हुई यहाँ आने के बाद कि तमाम खिलाड़ियों में भारी उत्साह देखने को मिलता है जब वो घरों से बाहर निकलते हैं और महावीर स्टेडियम में अभ्यास करते हैं। हिसार की बात की जाए तो महावीर स्टेडियम अपने आप में तमाम खेलों से परिपूर्ण है, हर तरह के खेल फैसिलिटी यहाँ पर उपलब्ध है और तमाम तस्वीरें आपको और भी दिखाएंगे और इस तरह की जो खबरें हैं खासतौर से खेलों को लेकर, खिलाड़ियों को लेकर, वो भी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तो लगातार बने रहिए दानिशन टाइम्स के साथ इन खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए। और खासतौर से ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये खबर आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा।